हेलो स्टूडेंट एंड वंस अगेन यू वेलकम टू ए न्यू लेक्चर। आज ये लेक्चर में हम देखेंगे कि और एक क्वेश्चन देखेंगे और एक दो क्वेश्चन देखेंगे वो कैसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कल मतलब प्रीवियस क्लास में हम देखे थे कि दो चार्ज के वजह से और एक चार्ज के ऊपर क्या फोर्स होता है। अभी हमें ये लेक्चर में देखेंगे कि तीन चार्ज के वजह से और एक चार्ज के ऊपर क्या फोर्स होता है और कैसे वो फोर्स को हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो विदाउट गेटिंग लेट जल्दी से चलिए हमें शुरू करते हैं ये मतलब प्रॉब्लम। तो पहले लास्ट टाइम में जैसे कह रहा वैसे ही कह रहा हूं। मान लो कि ये ए बी सी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों चार्ज तीनों वर्टिसेस में तीन चार्ज है जो कि सारे इक्वल है और सारे का साइन भी इक्वल है। ओके, बट हमें ये जो सेंट्रोइड ये होता है क्या सेंट्रोइड सेंट्रोइड में एक चार्ज है जो क्यू कैपिटल क्यू है। हमारा काम क्या है ना, ये जो क्यू है जो सेंट्रोइड में है उसी के ऊपर ये जो तीनों चार्ज है एक चार्ज ए में बी में सी में वो जो तीनों चार्ज है वो तीनों चार्ज मतलब तीनों चार्ज जो है उसके वजह से जो टोटल फोर्स ये क्यू पर पड़ता है वो फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं कैसे हमें फाइंड आउट करते हैं। मान लो मतलब ये जो है ये फोर्स ऐसे आप करेगा। ओके, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो फोर्स क्या होगा ये होगा एफ ए होगा। मान लो तुम बोल सकते हो सर इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, मैं बोल देता हूं इसका डायरेक्शन ये होगा क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों आपस में रिपल्शन होंगे मतलब दोनों मतलब दे विल रिपल टू ईच अदर। सो एक का डायरेक्शन यहां एक का डायरेक्शन वहां। तुम इसको बोल सकते हो कि द फोर्स एफ ए इज द फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू द चार्ज एट ए पॉइंट ए। सिमिलरली इसको बोल सकते हैं एफ क्यू मतलब क्या है ना, ये पॉइंट मतलब ए पॉइंट में जो भी चार्ज है उसी के ऊपर ये क्यू के मतलब हिसाब से जो फोर्स पड़ रहा है वो फोर्स ये है। सिमिलरली हम यहां भी निकाल सकते हैं कि जो यहां पड़ रहा है ओके सिमिलरली यहां भी निकाल सकते हैं कि ये है ये हो गया एफ सी ये हो गया ए बी। तो हमें तीनों फोर्स का तीनों फोर्स मिल गया कि डायरेक्शन क्या क्या है वो हमें पता हो गया। ओके, ये तीनों फोर्स का हमें डायरेक्शन पता हो गया। अब क्या हमारा काम, हमारा काम है कि ये जो फोर्स है सारे का मैग्नीट्यूड जरूरत है। ओके, वंस वी गॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल दीज थ्री फोर्सेस देन वी विल मतलब क्या करेंगे हमें ना ये तीनों को मतलब ये तीनों का रिजल्टेंट जो नेट फोर्स होता है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। पहले मैं एफ ए निकालूंगा और एक बात ये जो डिस्टेंस है वो ए होता है ये भी ए होता है और ये भी ए होता है। तो क्वेश्चन आता है कि जो डिस्टेंस है ये कितना होता है। ओके, तो पहले मैं ये डिस्टेंस निकाल देंगे उसके बाद एक एक करके फोर्स सारे फोर्स निकालेंगे। ओके, तो मैं ये छोटा सा डायग्राम यहां से बना देता हूं आपको समझने में कोशिश मतलब आसान हो जाएगा। तो ये क्या है ये a बाई टू है यहां से यहां तक देखो यहां से यहां तक कितना होता है a बाई टू होता है और ये a होता है और ये हाइट h होता है जो हमें पता नहीं है बट एज ए राइट एंगल ट्रायंगल हम ये h को निकाल सकते हैं। कैसे ना हम पाइथागोरस थ्योरम डाल के हमें ये हाइट को निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मतलब h इक्वल टू क्या होता है ना a स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर माइनस ये का स्क्वायर का अंडर रूट है। तो ये मिल गया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 का अंडर रूट तो ये मिल गया 3a स्क्वायर बाय 4 का अंडर रूट और हम लिख सकते हैं कि रूट 3 a बाय 2। ओके, तो हमें ये पूरा डिस्टेंस मिल गया हमें ये पूरा डिस्टेंस मिल गया बट हमें पूरा डिस्टेंस जरूरत नहीं है। हमें कितना डिस्टेंस जरूरत है ना यहां से लेकर यहां तक समझ में आ रहा है ना सी से लेकर क्यू तक डिस्टेंस जरूरत है।
और जो सेंटर्ड है, सेंटर्ड का मतलब सेंटर्ड हमेशा ये जो लाइन हेच से हेच को 2 मतलब 2:1 रेशियो में कट करता है। जो सेंटर्ड समझ में आ रहा है ना, जो सेंटर्ड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो सेंटर्ड हाइट को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है ना, यहां से यहां 2 बार, यहां से यहां 1 बार, तो हमें कितना बार जरूरत है ना, हमें 2 बार जरूरत है। यहां से यहां 2 बार है तो हमें 2 बार जरूरत है, तो हमें ये निकाल लेंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड हाइट सी से लेकर क्यू तो कितना होगा ना, हेच इंटू 2/3 टोटल कितना है, 3 बार है, 3 बार हमें कितना जरूरत है, 2 बार जरूरत है, तो हम कर देंगे 2/3। और हमें हेच पता है, हेच को क्या है √3 इंटू a/2 इंटू 2/3 कर देंगे, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, √3 को ये √3 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा a/√3। तो हमें ये डिस्टेंस मिल गया, अभी हमें क्या निकालेंगे ना, फोर्स। ओके, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो गया a/√3, ये भी सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है, तो ये भी हो जाएगा a/√3, ये भी सेम टू सेम है, तो ये भी हो जाएगा √1 a/√3। तो हमें सारे मतलब डिस्टेंस पता चल गया। अब हमारा काम क्या है ना, अब इंडिविजुअल फोर्स को फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अभी एफ ए पहले निकालूंगा, एफ ए को क्या होगा ना, के इंटू क्यू, क्यू बाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है ना, आर का मतलब हमारा ये जो डिस्टेंस है, आर का मतलब क्या होता है, हमारा जो डिस्टेंस जो हमें मिला a/√3, ये डिस्टेंस हम डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, r² / 3। तो हमें आराम से लिख सकते हैं 3kqa² तो हमें मिल गया एफ ए। एफ ए जैसे मिला वो सारे चार्ज का मतलब वैल्यू वैसे ही होगा, एफ ए एफ बी एफ सी, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल है और सारे चार्ज भी इक्वल है। ओके, तो हम निकाल सकते हैं एफ बी कैसे होगा, क्या होगा ना, आप बोल सकते हो सर सेम होगा कि क्या ना, क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, और एफ सी क्या होगा ना सर सेम, और कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सारे समान है। तो अब हमें क्या, वो तीनों मतलब इंडिविजुअल फोर्स हमें मिल गया, अब हमारा काम क्या है ना, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो पहला हमें क्या करेंगे, पहले ये जो ए है एंड जो बी है, ओके, इसके बीच में ये दोनों का पहले रिजल्टेंट वेक्टर निकाल देंगे, उसके बाद हमें तीसरे चार्ज का मतलब तीसरे चार्ज के बारे में सोचेंगे। समझ में आ रहा है ना, तो पहले हमें ये फोर्स के मतलब ये फोर्स निकालेंगे। तो ये जो फोर्स है एफ बी एंड एफ ए, ये दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कौन सा डिरेक्शन पे जाएगा ना, इसका मतलब ए से डिरेक्शन पे जाएगा, ये डिरेक्शन पे जाएगा, ये होगा एफ ए बी। ओके, तो एफ ए बी कैसे निकालेंगे, मान लो कि तुम्हारे पास, मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। ओके, ये कितना है, ये 60 डिग्री है, जैसे कि ये सी है और ये हो गया एफ ए और ये हो गया एफ बी है और ये हो गया आपका एंगल, हमें ये जरूरत है कितना, एफ ए बी जो रिजल्टेंट वेक्टर, एफ ए का एफ बी का रिजल्टेंट वेक्टर जरूरत है, तो हमें ऐसे निकालेंगे। तो ये तो हो गया 60 डिग्री, ये कितना, ये परपेंडिकुलर है, जैसे कि ये वाला लाइन इसको परपेंडिकुलर होता है मतलब 90 डिग्री होता है, सिमिलरली ये भी इससे 90 डिग्री होता है, तो हम लिख देंगे ये भी कितना हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। तो टोटल एक क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल कितना होता है ना, हमें पता है कि टोटल एंगल सर 360 होता है, तो 360 में 90 और 60 निकाल दो तो कितना बचेगा, ना बचेगा और बचेगा कितना 120 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर 90 90 180 चला गया और बचा 180 और 180 60 चला गया और बचा 120, तो हमें मिल गया कि 120 है। और हमने मतलब लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मतलब दो वेक्टर है और उसी का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे ना, बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो हमें यहाँ यूज करेंगे।
देखते हैं कैसे। मतलब आप बोल सकते हो ए बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला मैंने बताया था कि एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस टू इंटू एफ ए इंटू एफ बी इंटू कॉस थीटा। थीटा का मतलब क्या था, ये जो एंगल होता है ये होता है थीटा। अब हम वैल्यू डालेंगे ए का, मान लो ये जो तीनों को हमें निकाला है, ये तीनों को मान लो कि ये एफ है। ओके, सिंपलिसिटी के लिए मैं ये इसको एफ ले जाता हूं। ओके, तो मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू इंटू एफ इंटू एफ इंटू कॉस कितना ना 120 डिग्री। तो हमें पता है टू एफ स्क्वायर टू एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस 120 डिग्री को कितना होता है ना कॉस 120 डिग्री को माइनस 1/2 होता है। तो मैं वहां पर माइनस 1/2 डाल दू तो अब कितना मिल जाएगा ना, यहां यहां कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मिल जाएगा 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर इक्वल मिल जाएगा कितना f स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, तो f a b कितना होगा f a b इक्वल टू अंडर रूट f स्क्वायर या f। ओके, हमें मिल गया कि ये जो a f a f b है उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। ओके, ये रिजल्टेंट फोर्स मिल गया f a b इक्वल टू f, और आप लिख सकते हो k q q by ए स्क्वायर। ओके, ये हमें मिल गया। और ये जो एफ सी, इस साइड एफ ए भी जा रहा है और इस साइड एफ सी जा रहा है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो इक्वल है, बट दोनों का डिरेक्शन क्या है, अपोजिट है। समझ में आ रहा है, हमने जो फाइंड आउट किया एफ ए बी उसका डिरेक्शन अपवर्ड है और एफ सी जो है उसका डिरेक्शन डाउनवर्ड है। मतलब वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं। देखो एफ सी का वैल्यू और एफ ए बी का वैल्यू, ये दोनों में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट उसका डायरेक्शन अपोजिट है। इसके लिए आप जब वेक्टर एडिशन करेंगे तो एफ ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं, मान लो कि हम लिखेंगे एफ ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे ना के थ्री के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू आर के। आर कैप क्या होता है, आर कैप होता है पोजीशन वेक्टर। मान लो कि इसका पोजीशन वेक्टर या तुम बोल सकते हो यूनिट वेक्टर। आर कैप का मतलब क्या होता है ना, यूनिट वेक्टर। सिमिलरली एफ सी का क्या होगा, एफ सी मतलब सेम टू सेम एफ ए भी है बट उसी का डिरेक्शन अलग है, तो डिरेक्शन अलग होगा तो क्या होगा ना, आर कैप के बदल में हम माइनस आर कैप लिखेंगे। तो हम यहां पर लिख देंगे ना एफ सी इक्वल टू वन बाय मतलब थ्री इंटू के इंटू क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू माइनस आर के। ओके, तो हमें ये दो वेक्टर मिल गया कि यहां पर एफ ए बी यहां पर एफ ए सी, और क्या काम है, और हमें ये दोनों को एड कर देंगे क्योंकि हमें दो वेक्टर मतलब दो फोर्स का वेक्टर मिल गया, तो हमें नॉर्मली ये दो वेक्टर को एड कर देंगे। देखते हैं क्या मिलता है, तो एफ टोटल इक्वल टू क्या होगा मैं ना एफ ए बी, ये वेक्टर वेक्टर सिंबल हो, जब तुम वेक्टर लिखते हो तभी वेक्टर सिंबल है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, एफ ए बी प्लस एफ सी, अब दोनों का वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू क्या है एफ ए बी का ना के क्यू थ्री इंटू के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू आर के, और इसका क्या है ना सेम है थ्री के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर बट माइनस आर के। ओके, तो यहां पर माइनस से यहां पर प्लस है, और मैं इसको दोनों को कमान निकाल दू तो क्या होगा, क्यू बाई ए स्क्वायर को कमान निकाल दू तो मुझे मिल जाएगा आर के माइनस आर के। ओके, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो तुम्हें आंसर क्या मिल जाएगा, जीरो। इसका मतलब मान लो तुम्हारा कोई चार्ज एकदम मतलब सेंट्रोइड पे है, कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रोइड पे कोई चार्ज है और ये जो तीनों चार्ज जो में वो तीनों सेम टू सेम है, तो ये जो मिडिल चार्ज है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ये मतलब नहीं कि इसके वजह से कोई फोर्स नहीं है। हाँ है, हर एक इंडिविजुअल चार्ज के हिसाब से कुछ ना कुछ फोर्स उसके ऊपर पड़ रहा है, बट ये जो सारे फोर्स इक्वल होते हैं और डायरेक्शन कुछ अलग अलग होता है, इसी वजह से वो जो टोटल फोर्स होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, इसी वजह से वहां पर फोर्स जीरो हो जाता है। समझ में आ रहा है ना,
ओके ठीक है। तो ऐसे आप मतलब एक ट्राइंगल में, मान लो कि ट्राइंगल में तीनों वर्टिसेस में तीनों चार्ज है, आप मान लो पूछ ले कि सेंट्रोइड में क्या फोर्स होगा, तो आप ऐसे निकल सकते हो। ओके तो मैं लास्ट में क्वेश्चन दे दूंगा, इस हिसाब से क्वेश्चन दे दूंगा, तो तुम प्रैक्टिस करो और ये जो मतलब तुम्हारा जो आंसर मिलेगा वो कमेंट बॉक्स में डाल दो। ओके या तो मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा जो मतलब जो क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर मैं बोल दूंगा। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका मतलब जो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपको डर भी नहीं लगेगा कि ये कैसे सॉल्व होगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर मतलब कर पाओगे। ओके